हेलो फ्रेंड्स, सुनास क्रिएटिविटी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए ये वाली पंखुड़ियाँ बनाना, पत्तियाँ ये देखिए इस तरीके से बना करके थालपोश डिज़ाइन बनाना, बहुत ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से हमने बना रखी पंखुड़ियाँ, इसका बहुत ही यूनिक सा थालपोश डिज़ाइन बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम इसको बना करके कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए बना दिया हमने ग्रीन रेड और येलो कलर का। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो के एंड तक और देखिए किस तरीके से हम बनाते हैं इसका बहुत ही प्यारा थालपोश डिज़ाइन, वो भी टू टाइप में बनाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, एक आपको हम बना के दिखाएंगे और एक इसका सिंपल सा बना के दिखाएंगे जो कि देखने में लुक बहुत ही खूबसूरत आने वाला है। बहुत ही प्यारा थालपोश का डिज़ाइन फ्रेंड्स बन करके कम्प्लीट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहले इसको किस तरीके से बनाएंगे, उसके बाद से फिर आपको बताते हैं किस तरीके से इसको थालपोश में अटैच करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, तीन कलर का वूल लेंगे हम, देखिए रेड, येलो और ये ग्रीन। ठीक है, तीन कलर का वूल लेंगे और देखिए तीन कलर के वूल से ये बना है, छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा सा लगा लगा के। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम देखिए ग्रीन लेंगे, ठीक है, ग्रीन कलर का थ्रेड लेंगे और इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से एक गांठ लगाएंगे। जैसे आप गांठ लगाते हो वैसे लगाइएगा और जिस तरीके से मैं लगाती हूँ उस तरीके से लगा के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से गांठ लगाएंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन बनाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, 7 चेन बना लेते हैं और उसके बाद इसको हम देखिए क्या करेंगे, इस तरीके से डाल के इसमें स्लिप नॉट से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इस वाले में डाल करके ऐसे स्लिप नॉट से इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और इस धागे कैसे निकाल के इसको खींच लीजिएगा। ठीक है, अब इसको खींच करके हमको यहाँ पे पफ बनाना है। ठीक है ना, खींच लीजिएगा या फिर आप यहाँ पे चेन बना लीजिए। ठीक है, देखिए 1 2 3 तीन चेन बना लिया और यहाँ पे हम डाल करके पफ बनाना है। दो हो गया चेन को लेकर के, 3 4 5 और ये 6, देखिए 6 बार हमने लेकर के इसको पफ बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बना लिया, एक पफ तैयार हो गया हमारा। ठीक है ना, एक पफ तैयार हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट वाले में लेके फंदा इस तरीके से 1 2 3 4 5 और ये 6, तो देखिए 6 इस तरीके से लिया और इसको ऐसे निकाल देंगे एक साथ में सारा फंदा। ये देखिए 2 बन गया, एक और बना लेते हैं इसी तरीके से 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है ना, इस तरीके से इसको उधर करिए और सारा इकट्ठे निकाल देना है इस तरीके से। ठीक है ना, और यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देना है। देखिए फिर इधर टर्न होंगे, देखिए फ्रेंड्स टर्न होंगे और यहाँ साइड वाले में से इस धागे को ऐसे निकाल के यहाँ पे देखिए इस धागे को ऐसे खींच करके यहाँ पर भी पफ बना देंगे। ठीक है, तो 2 हो गया, 3 4 और ये 5, देखिए 5 1 6। ठीक है ना, 6 ले लिया हमने, आप 5 का 6 का 4 का जैसा पफ बनाना चाहें वैसा बनाइएगा। तो एक यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स, अब इसके बीचों बीच ठीक है ना यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4 5 फ्रेंड्स 1 6। ठीक है, फिर यहाँ भी पफ को ऐसे ही हम इकट्ठा निकालेंगे साथ में सबको इस तरीके से। देखिए तो यहाँ पे 2 हो गया, हमको यहाँ पे 4 बनाना है। ठीक है ना, एक ही जो गैप है इस गैप में बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 ये देखिए 6 बना लिया और इकट्ठा इसको निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट फ्रेम डाल करके 6 बना लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से देखिए ऐसे, ठीक है ना, ये देखिए तो 4 बन गया यहाँ पे, है ना, ये 3 के बाद यहाँ पे हमने 4 बना लिए। देखिए ध्यान से 4 बन गया ना। अब यहाँ से हम थ्रेड को ऐसे कट कर देंगे या तोड़ देंगे, देखिए हमको 4 ही बनाना था यहाँ पे, तो धागे को हम साइड करेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। देखिए इतना हाफ हमको ये बना लेना है, देखिए पंखुड़ी का हाफ शेप बन गया। अब देखिए इसमें हम बीच में हम येलो कलर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये देखिए येलो कलर है हमारे पास, इसको हम लेंगे और यहाँ पर हमें इसे बढ़ाना है। तो ये देखिए जो यहाँ पर दिख रहा है चेन, यहाँ चेन में इसको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए किस तरीके से
जैसे आप गांठ लगाते हो लगाइएगा फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे मैं चेन बना दूँगी, ये दोनों थ्रेड को इस तरीके से खींच करके ऐसे फिर यहाँ पे बनाऊँगी। देखिए इस तरीके से 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये मोटा है थोड़ा सा तो इसलिए हम उसको 5 टाइम करेंगे, 6 टाइम नहीं करेंगे फ्रेंड्स। 1 2 3 4 और ये 5, देखिए मोटा है ना तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको कम कर रहे हैं। और ग्रीन वाला थ्रेड थोड़ा सा पतला था तो देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 और ये 5 फ्रेंड्स। ये देखिए 5 यहाँ हमने बना लिया, 3 बन गया ना, फिर एक और यहाँ 4 बनाएंगे, एक और 5 बनाएंगे। तो इस तरीके से देखिए 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5, देखिए 5 बना लिया। इस तरीके से निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बन गया, 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे डाल करके फिर इसमें से हम बनाएंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ भी दिख रहा होगा आपको गैप, यहाँ से निकाल करके यहाँ पे बनाइए, एक और बना लीजिए। तो 2 3 4 और ये 5, देखिए ठीक है ना, 5 बना लिया हमने। अब देखिए यहाँ तक हमें बना लेना है, इस तरीके से बढ़ाते हुए चले जाना है। अब यहाँ से हमें इसको स्किप करना है एक को, और बीच में से बनाएंगे यानी कि गैप, मतलब हमें एक कम कर देना है। यहाँ से धागे को ऐसे खींच करके यहाँ पर बना लेते हैं, 2 हो गया, 3 4 और ये 5, देखिए 5 बना लिया इस तरीके से, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वाले में डाल करके 1 2 3 4 और ये 5, 5 बना लिया फिर से इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे 4 बनेगा, देखिए 5 का हम 4 करेंगे, घटा देंगे एक ठो। तो ये देखिए इस तरीके से बनाते हुए पफ बना लेते हैं, ये देखिए। फिर इसको ऐसे बांध देंगे, फिर नेक्स्ट वाले में भी डाल करके एक पफ बनाएंगे, ये देखिए इस वाले में, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, ये देखिए इस तरीके से बना लिया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम थ्रेड को कट कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहाँ भी कट करेंगे क्योंकि यहाँ भी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए पत्ती का हाफ यहाँ तक हमने पेटल बना लिया है। अब देखिए रेड वाला है थोड़ा बहुत बहुत पतला है फ्रेंड्स ये वाला थ्रेड, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, रेड वाले के लिए कई बार हम देखिए इधर से डालेंगे, यहाँ से हम 4 के बाद 3 बनाएंगे, क्योंकि उसकी जो नुकीली वाली जो बनानी है ना पंखुड़ी में, तो उसको बनाने के लिए इसको हम यहाँ से देखिए 20 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे आप जैसे लगाते हो नॉट वैसे लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से नॉट लगा लिया हमने, और धागे को ऐसे खींचते हुए यहाँ पे पफ बना लेंगे, 2 3 4 5 6 7, देखिए फ्रेंड्स रेड वाला बहुत ही पतला है इसलिए यहाँ पे हम 7 टाइम्स बनाएंगे पफ को, देखिए इस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में डाल के 7 पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बना लेते हैं, ठीक है। इसको भी इकट्ठे इस तरीके से निकाल लेंगे, एक और बनाएंगे। तो 3 बनाएंगे, 3 के बाद 2 2 के बाद 1, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा पंखुड़ी बन करके। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उनको आप कैंची की सहायता से फ्रेंड्स कट कर दीजिए, और देखिए हमारी ये पत्ती कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से इस पत्ती को बनाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स इसमें डालेंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे 6 7 जितना आपको निकालना हो निकाल लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट वाले में डाल के 2 था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 बार हो गया, 6 1 7 कर देते हैं यहाँ भी, और देखिए इस तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 3 के बाद 2 हो गया, और 2 के बाद लास्ट में हमें यहाँ पे 1 बना देना है ऐसे, धागे को खींच लीजिए और यहाँ पे एक और पफ बना देते हैं, 2 3 4 5 6 और 1 7, देखिए यहाँ पे हमने ये पफ बना करके कंप्लीट कर लिया, और थ्रेड को कट कर देंगे। देखिए पेटल हमारी तैयार हो गई है पंखुड़ी, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये देखिए कितनी खूबसूरत तैयार हुई, बहुत इजी है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बन जाएगा। आप इसका टोरन बना लीजिए और टोरन डिज़ाइन बनाइए,
और या फिर आप थालपोश में लगा लीजिए, बहुत ही प्यारा लगेगा फ्रेंड्स। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये इस तरीके से, ठीक है। तो जो यहाँ है आप इसमें चाहे आपस में इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गांठ लगा लीजिए, इस तरीके से गांठ लगा के धागे को कट कर देंगे यहाँ से ऐसे, देखिए ऐसे, ठीक है। गांठ लगा लीजिए और यहाँ पर भी गांठ लगाइए इस तरीके से, और उसके बाद से थ्रेड्स को कट कर देंगे फ्रेंड्स इस तरीके से कैंची की सहायता से, और हमारा पटल पत्ती है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो गई है, और धागों को कट करके निकाल देंगे तो एकदम नीट एंड क्लीन पंखुड़ी मिल जाएगी हमें ऐसे, ठीक है। और एक यहाँ है जो ग्रीन ये वाला और रेड वाला भी यहाँ से कट कर देंगे, ये देखिए। तो देखिए कितनी खूबसूरत पंखुड़ी बन करके कंप्लीट हो गई है। अब चलिए दिखाते हैं आपको इसके आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सारी पंखुड़ियाँ बना करके कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है। ये जो थालपोश का डिज़ाइन हमने आपके साथ शेयर किया था फ्रेंड्स, ये देखिए इसको आपको ग्रीन कलर से थोड़ा सा और बड़ा बुन लेना है, ठीक है। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, इसी तरीके से आप बड़ा बना लीजिए इसको, खूब बड़ा बना लीजिए, जितना बड़ा आपको थालपोश चाहिए उतना बड़ा बना लीजिए, ठीक है। अभी मैं छोटा आपको बना करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना है इसमें का एक और डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर करना है, इसलिए देखिए। और ये जो हमने फ्लावर देखिए यहाँ पे ये स्टिच कर लिया हमने यहाँ पे, और आप बीच में चाहें तो गैप में एक मोती लगा लीजिए, और या फिर कुछ स्टिच करते देखिए जो मोती है ना हाफ वाली, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, अभी स्टिच नहीं किया हमने। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे इसका लुक, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे आपको हम बता दें, तो ये इस तरीके से इसको हमने बना लिया, ठीक है ना ऐसे, ये देखिए पूरा इस तरीके से कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और इसको साइड करेंगे, ठीक है। इसका लुक देखिए किस तरीके से हम इसको बनाएंगे फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से हमने इसे रख दिया। अब जो ये पंखुड़ियाँ हैं ना, हमें देखिए ग्रीन, हमें ग्रीन से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ग्रीन हमने लगाया है इसलिए क्योंकि जब हम इसे स्टिच करेंगे ना, निडिल में हमने देखिए ग्रीन कलर का थ्रेड भी डाल रखा है, ये देखिए, ठीक है। इसी से हम इसको स्टिच करेंगे ना, तो जैसे ये दिखेगा नहीं थ्रेड, तो इसको साइड करते हैं अभी, आप पहले देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ठीक है ना ऐसे, यहाँ ग्रीन वाले पे रखेंगे ना, थोड़ा सा और करेंगे अंदर इधर यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे ये जो स्टिच होगा देखिए इस तरीके से, ठीक है ना, कि दिखे नहीं। इस तरीके से आप बहुत ही प्यारा सा लुक दे सकते हैं अपने इस वाले थालपोश को, अगर आपने बनाया होगा तो ठीक, नहीं तो आप देख करके चैनल पे जाके बना लीजिएगा, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। देखिए यहाँ पे रखिए, ये बीच का पार्ट है इसके, अभी हमने इसको स्टिच नहीं किया है, इसको बीच में रखते हैं इस तरीके से, और ये देखिए फ्रेंड्स ये इस तरीके से, ठीक है। एक साइज से सारा रखिएगा, बहुत प्यारा। देखिए ये ग्रीन वाला और बड़ा रहेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर ही हमें स्टिच करना है। अभी ये छोटा है, अभी हमने इसको आपको दिखाने के लिए बस रख दिया है, हमने दूसरा नहीं बनाया है इसको, और ग्रीन कलर से और इसे बड़ा करिएगा, ठीक है। तो जब आप बड़ा बना लेंगे ना, तो उसके ऊपर पंखुड़ियाँ आएंगी, ठीक है, और पंखुड़ियों को उन्हीं के ऊपर रख करके स्टिच करना है फ्रेंड्स। देखिए कितना खूबसूरत बनने वाला है ये थालपोश का डिज़ाइन, ये देखिए एकदम यूनिक सा है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही प्यारा बन करके ये थालपोश की डिज़ाइन कंप्लीट होगी। ये देखिए देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स, बहुत ही यूनिक सी डिज़ाइन है। और उसके बाद देखिए ने कर लिया, उसके बाद से देखिए क्या करना है, इसके बीचों बीच में एक एक पंखुड़ी को रखते हुए जाना है, ठीक है। एक पंखुड़ी को इसके बीच में ऐसे रखेंगे, और इसको ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से। और ये ग्रीन वाला आपको बड़ा कर लेना है, देखिए इतना बड़ा बना लीजिएगा, इतना बड़ा बना लेंगे ना तो उस पर हम इसको आराम से रख करके स्टिच कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपको मैं बता दे रही हूँ, भूलिएगा मत, इसको बड़ा बना लीजिएगा नीचे वाले को, केवल ग्रीन वाले को जिसपे हमको पंखुड़ियों को अटैच करना है। उसके बाद से एक एक देखिए यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना खूबसूरत और कितना प्यारा फ्रेंड्स, एकदम यूनिक सा डिज़ाइन मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए, कितना प्यारा थालपोश बन करके ये कंप्लीट हो रहा है, ये देखिए देखने वाले देखते ही रह जाएंगे फ्रेंड्स। देखिए एकदम यूनिक सा डिज़ाइन है फ्रेंड्स, और इसको यहाँ पे रख करके मतलब आपको उसी हरे वाले पे ही इसको ऐसे स्टिच करना है, ठीक है, इसको स्किप करके उसको स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए कितना खूबसूरत ये थालपोश बन करके कंप्लीट हुआ है फ्रेंड्स, और कितना प्यारा सा यूनिक सा डिज़ाइन ये लग रहा है यहाँ पे, देखिए एकदम इसको अटैच कर दीजिए ऐसे, और ये भी सारा इतना बड़ा थालपोश बनेगा, ये जो ये हमने बनाया है ना ये ग्रीन वाला, इसको आप बड़ा सा बना लीजिए, उस पर इसको स्टिच कर लीजिए फ्रेंड्स, और ये निडिल थ्रेड उसी कलर का लगा लीजिएगा, और ग्रीन कलर से पहले इसको स्टिच करिए, फिर सेकेंड राउंड में स्टिच करिए ग्रीन वाले को,
और इस तरीके से ये बहुत ही प्यारा सा और थालपोस बन के तैयार होगा फ्रेंड्स। तो पैटर्न पे मैं इसको बताऊंगी और स्टिच करना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। देखिए स्टिच करना, मैं आपको बताऊं, यहाँ से भी मैं इसको कम कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए जो ये बीच वाले पार्ट्स, इनको मैं साइड करती हूँ और आपको देखिए स्टिच करना बता देती हूँ किस तरीके से रख करके इसको स्टिच करेंगे। नहीं तो आप बाद में कहेंगे कमेंट में कि आपने इसको स्टिच करना नहीं बताया, तो मैं आपको स्टिच करना भी बता देती हूँ, बहुत ही इजी भी। मैं फ्रेंड्स देखिए अभी मैं इतने का ही स्टिच करके आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे ना, इस तरीके से ऐसे रखे हुए हैं, और ये तो आप इसके बीचों बीच से थ्रेड में ये जो हमने इस यहाँ से डालेंगे, ठीक है, इस तरीके से डालेंगे ऐसे, और यहाँ पर ऐसे डालेंगे पफ में इस तरीके से, और इसमें से निकाल करके फिर ऐसे ऐसे निकाल देंगे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे डालेंगे और इसको ऐसे निकाल के इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से आप ये पूरा स्टिच कर लिए एक राउंड। फिर नेक्स्ट आइए तो यहाँ भी आप इसको स्टिच कर लीजिए, जिससे कि ये खूब बढ़िया से ऐसे मजबूत हो जाए और ये इस टाइप से हो जाए फ्रेंड्स। सेम ऐसे ही स्टिच करते हुए चले जाना है जैसे मैंने थोड़ा सा बताया। अब देखिए आप ऐसे ही ऊपर आ जाइए, ठीक है, इस तरीके से ऊपर आइए और ऐसे यहाँ से थोड़ा सा, फिर थोड़ा दूर पे यहाँ पे ला करके थोड़ा थोड़ा सा पफ को दबाना है इस तरीके से, मालूम भी ना चले, और आप इसको आसानी से ऐसे स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए, ठीक है ना। ये इस तरीके से भी आप पंखुड़ी को टेढ़ा टेढ़ा कर दीजिए ऐसे, देखिए बहुत ही प्यारा लुक देगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स थालपोस का डिज़ाइन। तो इस तरीके से हम, मैंने आपको स्टिच करना भी बता दिया दोनों पार्ट्स फ्रेंड्स। आप ऐसे स्टिच कर लीजिएगा, धागे को अंदर अंदर उधर लेके जाइए, उधर वाले को भी स्टिच कर लीजिए, देखिए इस तरीके से, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैंने स्टिच करना भी बता दिया, स्टिच कर लीजिएगा उसी कलर के थ्रेड से, मालूम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर। फ्रेंड्स थैंक यू, एंड वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स। देखिए कितनी मेहनत से मैं आप लोग के लिए वीडियोस लेके आती हूँ, आपके पसंद आए जिससे कि आपको। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, सब चैनल को नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको टाइम पर मिल सके फ्रेंड्स, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर जहाँ तक हो सके अपने फ्रेंड्स के पास करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से खड़ा खड़ा थोड़ा सा कर दीजिए, तो बहुत ही प्यारा इसका लुक आने वाला है फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से, तो ये देखिए इस तरीके से ऐसे रखेंगे बीच बीच में, देखिए कितना खूबसूरत ये थालपोस का डिज़ाइन कम्प्लीट हो रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये देखिए आप इस थालपोस को बस नीचे वाले को आप बड़ा बना लीजिएगा, और इस तरीके से हमारा ये थालपोस का डिज़ाइन देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए लुक इसका कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।